गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, इसलिए भी ये जल्दी खत्म किया जाएगा, ठीक है। चैप्टर 5 में जो नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने क्या करा था, 3D ज्योमेट्री डेफिनेशन क्या होगी इसकी सब मैं बताता हूँ। और इसके कुछ पॉइंट थे, पहला पॉइंट था अ पॉइंट इज द दैट विच हैज अ डॉट पार्ट, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। लाइन की जो होती है क्या होती है, चौड़ाई जो होती है ब्रेथलेस होती है। द एंड ऑफ द लाइन आर अ पॉइंट। फोर्थ, द स्टेट ऑफ ए लाइन इज द लाइन विच लाइज एवनली इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अ सरफेस इज दैट विच हैज अ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, द एज ऑफ द सरफेस आर ए लाइन, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं यूक्लिड्स के। तो उनका पॉस्टुलेशन भी था, पहला पॉस्टुलेशन था अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे कुछ। सेकंड था अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस द इनडेफिनेटली, ठीक है। तो ये कुछ उनके पॉइंट्स थे जो जिनको मैंने एक्सप्लेन कराया आपके सामने। तो कुछ ऐसा कुछ खास चैप्टर नहीं है, ना तो एग्जाम के पर्पज से खास बनता है, केवल इसमें से एक आध नंबर का ऑब्जेक्टिव वगैरह आ जाता है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और विच आर ए फॉल्स, गिव द रीजन। पहला है ओनली वन लाइन कैन बी पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट। मैंने अभी बताया कि सिंगल पॉइंट से क्या केवल एक ही लाइन क्रॉस हो सकती है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों नहीं होगा। दिस कैन बी सीन विजुअली बाय द स्टूडेंट, ठीक है। वो किससे होगा, स्टूडेंट के अलग अलग व्यू देखने के हिसाब से होगा कि क्या कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द टू डिस्टेंस पॉइंट, मतलब दो पॉइंट से क्या होगा, तो इसके लिए भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये भी क्या होगा, गलत, मतलब ये भी जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है, तो इसके लिए एक 5.2 करके है, उसके आधार पे है, जब उसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों गलत है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस द इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड, ठीक है। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर का ट्रू होगा, ठीक है, थर्ड नंबर का ट्रू होगा आंसर। इसमें आप पॉस्टुलेट 2 पढ़ सकते हो जो आपकी बुक में दे रखा है। Fourth, if the two circle are equal, then their radii are equal. Yes, ये भी क्या होगा, true होगा, ठीक है। दो सर्कल है, उनकी रेडाई क्या होगी, आपस में इक्वल होगी डेफिनेटली, ठीक है। Therefore, their radii will be consistent. लास्ट वाला ये फिगर दे रखे कि ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, ए बी एक्स वाई के बराबर है, तो ये भी क्या होगी, जो फिफ्थ वाला है ये भी क्या होगा, true। ये भी सही है, ठीक है, मतलब सत्य। ये ऊपर के दो असत्य, आगे के नीचे के सत्य। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द डेफिनेशन। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर, इनकी क्या लिखना है, आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो आप प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ते आए होंगे, तो आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है, किसकी, पैरेलल लाइन की, परपेंडिकुलर लाइन की, लाइन सेगमेंट, रेडियस और स्क्वायर की। तो ये आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में डेफिनेशन वगैरह लिखनी है, तो आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन पहला है, गिव एनी टू डिस्टेंस पॉइंट ए बी एंड देयर द एग्जिस्टेंस थर्ड पॉइंट सी व्हिच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें कुछ आपको पोस्टुलेट दे रखे हैं, तो पहला पोस्टुलेट होगा से दैट द गिवन टू पॉइंट ए एंड बी, देयर द पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन देम। ऐसे ही सेकंड वाले का भी होगा, से दैट द गिवन ए एंड बी, यू कैन टेक सी नॉट इज अ लाइन ऑन द थ्रू ए बी, मतलब ए बी पे पोस्टुलेट नहीं होगा। देखिए थर्ड वाले का आंसर आप अपनी आंसर शीट से लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, हमको प्रूफ करके बताना है, क्या प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
टू पॉइंट दे रखा है ए एंड बी, ए सी बराबर है बी सी के, ए सी किसके बराबर है बी सी के, तो प्रूफ दे, तो प्रूफ दे क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करके बताना है ए सी इक्वल्स टू वन बाय टू ए बी, ये हमें प्रूफ करके बताना है, तो कर देते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए सी किसके बराबर है, सॉल्व ए सी बराबर है बी सी के, ऐसा कहा है जीवन में दे रखा है तो जीवन से ले लिया। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड क्या करता हूं, और एडिंग, और एडिंग ए सी बोथ दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एसी प्लस एसी, ठीक है, बीसी प्लस एसी, ये हो जाएगा दोनों पक्षों में एसी एसी हमने प्लस कर दिया, ये क्या हो जाएगा टू एसी, ये बीसी प्लस एसी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बीसी प्लस एसी ये किसके बराबर होगा, तो ये ट्रायंगल है, ए बी और सी, बी सी प्लस ए सी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, तो यहाँ पे हमने साइड में लिख रहा हूँ बी सी प्लस ए सी बराबर होगा किसके, ए बी के बराबर होगा, तो टू ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी, इस पूरे की जगह क्या हो गया ए बी, टू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो ए सी इक्वल्स टू वन अपॉन बाय टू ए बी, ये देखेंगे आप एंस प्रूफ हो चुका है, ये हमारा गिवन दिया दिया है, हिंदी में लिखेंगे दिया है, सिद्ध करना है, और ये हमने हल किया। ठीक है, क्लियर है सभी को, दिया था एक ट्रायंगल था एबीसी जिसमें क्या बताया था एसी बराबर है बीसी के, दोनों में क्या करा दोनों साइड एसी को प्लस कर दिया, आप देख रहे हो एसी एसी कितना हो गया टू एसी, बीसी और एसी किसके बराबर होगा एबी के, इन दोनों की जगह क्या लिख दिया एबी, ये जब मल्टीप्लाई कर रहा था इधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फाइव। अब फाइव को वाले में एजिप्शन है सी एंड डी आर ए टू मिड पॉइंट्स, इन द क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, है ना, तो देखिए मान लिया कि कोई डिफरेंट पॉइंट है सी एंड डी जिसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे मेक अ टेम्परेरी एजिप्शन दैट डिफरेंट पॉइंट सी एंड डी, एक हमने क्या करा है मतलब ऐसे ही इमेजिनेशन कर रखा है, एक ऐसे ही वैल्यू मान रखी है पॉइंट मान रखा है जिसका नाम क्या माना है सी और डी, जिसके मिड पॉइंट क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कहाँ पे मिड पॉइंट है ए बी पर मिड पॉइंट है, नाउ यू शो दैट पॉइंट सी एंड डी आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब वो बोल रहा है, मैं समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर फिर क्वेश्चन नंबर फोर, ये कोई एक पॉइंट है ए बी जिसपे क्या है टू डिफरेंट पॉइंट है, एक तो सी और दूसरा क्या है डी, तो ये मिड पॉइंट होगा क्या, तो ऑफकोर्स सी क्या होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा, डी क्या होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, तो अपनी अपनी जगह वैल्यूएशन रखते हो, तो ये इसको लिख के बताना है। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आप देखेंगे तो अभी मैंने जो कराया फोर उसके जैसा लगभग सेम है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स तो ठीक है, डायग्राम भी दे रखा है आपको इसमें कि यदि ए सी बी डी के बराबर है तो आपको प्रूफ करना है ए बी किसके बराबर होगा सी डी के बराबर होगा, ठीक है, ए सी बी डी के बराबर है तो। ठीक है, फिर सेवन वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या बताना है आपको यूनिवर्सल ट्रूथ, तो लिख के बताना है कि ट्रू फॉर एनी पार्ट ऑफ कॉमन यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, ये लिख लेना तो आपको वर्कशीट पीछे से आंसर शीट से मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का, तो आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन में भी प्रूफ करना, अगर आपसे सिक्स वाला नहीं प्रूफ होता है तो आप मैं बता दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं 5.2, तो 5.2 में भी देखोगे तो दो हमको स्टेटमेंट लिखनी है, क्या लिखना हाउ द, तो आप इसको वो भी कर सकते हो छोड़ भी सकते हो और चाहो तो लिख सकते हो 5.2 में, आपको पीछे शीट में से मिल जाएगा एनी
वैलिडिटी फॉर्मुलेशन द स्टूडेंट गिवन द शुड बी डिस्कस इन द क्लास ऑफ द वैलिडिटी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है 5.1 और 5.2। तो जिनके पास बुक है वो पीछे से आंसर शीट में से भी इसके आंसर लिख सकते हैं, इसलिए मैं आंसर नहीं लिखा रहा हूँ। उसके क्वेश्चन नंबर 6 बाकी रहा 5.1 का, तो आपको करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को होमवर्क है, नहीं होगा तो मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ये चैप्टर खत्म होता है 5.1 और 5.2। ठीक है, 5.2 में केवल लिखना है तो राइट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है, अब हम कुछ बड़ा चैप्टर लेंगे। ठीक है, आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ खत्म हो गया। ठीक है, अब हम कुछ थोड़ा सा बड़ा चैप्टर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।